गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू न्यू चैनल। गाइस कैसे आप लोग, होप सब बढ़िया होंगे, बढ़िया रहना। तो आजकल गाइस रेगुलर में कार की गाड़ी मतलब कार की वीडियोस ही आ रही हैं, तो क्या करूं, बाइक में थोड़ा सा हो गया, हल्का हो गया सीन, तो कोई बात नहीं, बाइक भी हम नहीं लेंगे। तो अभी कार में गाइस मैंने आपको पता है अलॉय डलवाए थे, तो हो गए उस बात को 10-12 दिन हो गए। तो अब देख सकते हैं गाइस क्या हाल है टायर अलॉयज के, मतलब साफ तो है पर पता है अलॉयज बाहर निकले हुए ना, तो उसने इसको गंदा कर दिया कतई। तो ये चीज़ मैंने नोटिस करी कि बाहर अगर होते हैं स्टांस तो बहुत अच्छा है, लेकिन उसके बाद गंदी भी होती है। तो आज का आप लोगों ने थंबनेल टाइटल तो देख ही लिया होगा, आज हम लोग बात करने वाले हैं फ्रॉन्क्स टर्बो को, और इससे हम लोग डिफ्रेंशिएट करने वाले हैं कि आपको अगर 14 लाख रुपये खर्च करने, क्योंकि ये भी ऑन रोड 14-14.5 की पड़ती है, इसका टॉप मॉडल भी ऑन रोड 13-70 के 14 के आसपास ही पड़ता है। तो आज इन दोनों को कंपेयर करेंगे, हमारे साथ इसको ओनर है तनिष भाई, कैसे हो भाई? बढ़िया। तो आज इन दोनों को कंपेयर करते हैं और आप लोगों को दिखाएंगे कि क्या क्या, मतलब इसको भी हो गया कितने महीने हो गए भाई ओन करते हुए? जनवरी में 3-4 महीने हो गए ना, और कितनी चला दी तुमने? 3000 चला दी। तो गाइज मैं भी दे पाऊंगा, मेरे को भी हो गया अच्छा खासा टाइम, मैं तो 17000 चली थी। तो दोनों के बारे में डिफरेंस आप लोगों को बताएंगे। तो सबसे पहले आप लोग सिनेमैटिक एंजॉय कीजिए, फिर आप लोग चलिए गाइज आप लोगों ने सिनेमैटिक्स देख लिए होंगे, आप लोग जरूर बताइए आपको कैसे लगे। आज मौसम जो है ना बहुत प्यारा हो रहा है, तो वीडियो बहुत अच्छी आएगी। तो गाइज अगर मैं फ्रंट से बात करूं, तो फ्रंट में इसमें भी क्रोम ज़्यादा नहीं आता जितना मेरे को लगा था, क्रोम बस ये और ये पार्ट आता है, इसका ये ग्लॉस ब्लैक आता है, इससे नीचे वाले ट्रिम में क्या कहते हैं मैट ब्लैक आता है जैसे ये है, लेकिन मेरी वाली गाड़ी में सब कुछ ग्लॉस आता है। आप लोग देख सकते हैं ये भी ग्लॉस आता है, ये भी ग्लॉस आता है, इधर भी ग्लॉस आता है। ये तो खैर एनलाइन की जो बॉडी पार्ट है तो उसी का पार्ट है, तो इसके चक्कर में रेड है, वरना नॉर्मल गाड़ी में भी ये मेरे ख्याल से ग्लॉस ही आता है। तो सामने से ये है, इसकी जो लाइटें हैं वो ऑल LED हैं गाइस, इसमें आप देख सकते हो DRL बहुत अच्छी है, और ये भी ऑल LED है। इसमें फॉग लैंप्स का बस यही दोनों काम करते हैं, मेन लाइट का भी फॉग लैंप्स का भी। मेरे में मतलब ऑल LED सेटअप तो नहीं है, देखो इसमें जो है इसमें मेरी हेलोजन कहते हैं ना, हाँ हेलोजन है, इसमें क्या कहते हैं आपका ऑल LED सेटअप है, बस ये छोड़ के कि इसमें इंडिकेटर भी आपके हेलोजन मिलते हैं, और आपका जो कॉर्नरिंग लैंप है उसमें भी आपको हेलोजन मिलते हैं, इसमें आपको कॉर्नरिंग लैंप नहीं मिलता गाइस। उसकी तेरे को नीड लगी, तू तो चल मेरे ख्याल से पहाड़ों में गया भी नहीं, हाँ पहाड़ों में गया भी नहीं, क्योंकि ये जो चीज़ होती है मेन वो मेरे को पहाड़ों में ही नीड लगी। बट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, येलो वो दिख जाता है साइड का, ब्लाइंड की तरह से होता है तो एकदम से दिख जाता है। तो अभी तक के लाइट का व्यू कैसा है भाई? अच्छा थ्रो है, रात में भी इसका अच्छा लाइट का अच्छा मतलब बढ़िया करके दिख जाता है। रात में कितनी ज्यादा ड्राइव करी तूने? मतलब मैंने रात से ज्यादा दिन में ड्राइव किया, इतना कोई ज़्यादा वो नहीं हो पाया, आइडिया नहीं है। तो चलो कोई बात नहीं गाइस, मेरे को बताओ, मेरे को तो इसकी लाइट हल्की लगती है, जब से मैंने अनिकेत की होंडा सिटी चलाई है उसने जो लाइट अपग्रेड कराया ना मेरे को अपनी गाड़ी की, थोड़ी सी हल्की लगती है, बट ठीक है अपग्रेड कराएंगे टाइम के आने के बाद कराएंगे। बट इसमें ये हेलोजन मिलता है। इसमें अगर बैक में चलूँ मैं तो एक बहुत अच्छी है, इसमें सब कुछ ऑल LED है, देखिए साइड में ये है, ये भी LED है, और ये जो है ये पूरी LED है। इसकी बैक लाइट भी आपको LED मिलेगी, इसका टर्न इंडिकेटर भी आपको LED मिलेगा। तो इसमें चलूँ तो इसमें टेल लाइट तो आपको LED मिलेगी, बट आपको जो मेरे ख्याल से वो है बैक लाइट और इंडिकेटर वाली लाइट, वो LED नहीं मिलेगी। तो पीछे से आप लोग देख सकते हैं, पीछे से कुछ ऐसा लुक है इस गाड़ी का, और ये बट ये ना थोड़ी सी चेंज हो जाती है, जैसे ये आपको क्या कहते हैं मतलब इसी गाड़ी को उठा के ये बनाया हुआ, बलिनों को उठा के, हाँ ये हाँ सामने से आप देखोगे तो उसका लुक लगेगा थोड़ा ग्रैंड बता रहा है, बाकी अगर वैसे साइड से साइड प्रोफाइल देखोगे तो ऐसा लगेगा बलिनो बस उठी हुई है। तो इसकी वो क्या है ग्रैंड ग्राउंड क्लीयरेंस 180 mm, तो ठीक ठाक है। तो सेक्शन देख सकते हैं, इसमें भी 16 आता है, लेकिन इसमें आता है 195/60 R16, मेरी गाड़ी में स्टॉक साइज आता था 195/55 R16, तो मैंने उसी में अपग्रेड कराया। इस चक्कर में मेरा जो अलॉय भार है उसके चक्कर में थोड़ा सा टायर और ज़्यादा फैल गया, बट इसमें आप देख सकते हैं इसमें टायर नहीं फैला, 195 सेम सेक्शन है पर फैला हुआ नहीं लग रहा, तो वो चीज़ है थोड़ी सी। इसका जो है ग्राउंड क्लीयरेंस मैंने आपको बताया 180, इसका 170 है। तो एक बार चलिए इंटीरियर में चलते हैं, पहले अपनी गाड़ी में चल देता हूँ मैं, अपनी गाड़ी बता दूंगा आप लोगों को। तो गाइज ये देख सकते हैं मेरा जो इंटीरियर ऑल ब्लैक इंटीरियर है, और इसमें जो सीट्स आती है वो लेदर सीट्स आती हैं, और आपका जो स्टेयरिंग व्हील है वो कुछ ऐसा आता है, आप लोगों ने देख ही रखा होगा ज़्यादा वीडियो में, और जो क्या कहते हैं जो मीटर आता है वो आता है आपका ऐसा कुछ, मतलब नॉर्मल है कोई, ठीक है मतलब नॉर्मल स्वाइप होने वाले से तो अच्छा ही है। बाकी ये रहा कुछ ऐसा इसका इंफोटेनमेंट सेट, सनग्लास होल्डर भी मिलता है,
और उसके बाद लाइट का ऑप्शन ये जो नॉर्मल है मेरे में गाइज, मैं आपको बताऊं स्टॉक जो है येलो आती थी, इसमें वाइट है। बाकी सनरूफ का एक ऑप्शन है ये जो बहुत बढ़िया लगता है। और बाकी ऑल लेदर है, ये आपको आर्मरेस्ट मिलता है, हैंड ब्रेक, ये तो सब नॉर्मल है। बाकी इंटीरियर मतलब ठीक है यार, ऑल ब्लैक के हिसाब से एनलाइन में और स्पोर्टियर इंटीरियर दिया है। तो आप इसकी सीट देख सकते हैं, इसकी सीट नॉर्मल सीट से ज़्यादा स्पोर्टियर है। इसमें आपको ऑटो ORVM मिलता है, तो ये चीज़ तो गाइज बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो अब चलते हैं सीधा उसमें, मेरे ख्याल से इसमें और को दिखाने को नहीं है। एक और चीज़ है गाइस, वायरलेस चार्जर है इसमें। मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये ज़्यादा गाड़ी में होता है, बट मैं आपको उस गाड़ी में दिखाऊंगा। तो चलिए आप उस गाड़ी का देख सकते हैं, हम लोग इसके इंटीरियर में आ चुके हैं। तो तनीष भाई बताएंगे कि क्या क्या है। तो गाइस मैं आपको पहले बता दूँ, इसमें तो स्वाइप वाला आता है, नॉर्मल है। ये मेरे ख्याल से बलिनो में भी सेम आता है, टॉप मॉडल में सेम आता है बलिनो में। आपका क्या कहते हैं ग्रैंड विटारो में भी सेम आता है, और एक जो और गाड़ी होंगी मारुति की सेम ही आता है। बाकी एक चीज मेरे को लगी गाइस, इनका सेकंड टॉप है ना ये वाला, सेकंड टॉप है, टॉप आता है अल्फा, अल्फा आता है। उसमें दो तीन चीजें एक्स्ट्रा होती हैं, वो HUD वगैरह एंड 360 कैमरा, दो तीन चीजें एक्स्ट्रा हो जाती हैं। तो गाइस ये देख सकते हैं आपका, ये जो है स्टीयरिंग व्हील, इन लोगों ने ये नॉर्मल दे दिया, बट टॉप मॉडल में लेदर रैप आता है, ठीक है। बाकी ये जो स्क्रीन है आप लोग देख सकते हैं गाइस, इसमें स्क्रीन मतलब टॉप मॉडल में और मतलब पूरी घिरी हुई आती है मेरे हिसाब से, 8 इंच की, बट इसमें पूरा सब कुछ दिख जाता है। मतलब मेरे हिसाब से मेरे पैसे पर्सनल यूज के लिए सब देखो वर्थ लगी मेरे को गाड़ी। बाकी वायरलेस चार्जर्स की रही बात, इधर भी आ जाता है, इसमें वायरलेस चार्जर भी है, ऑटोमेटिक AC आ जाता है बेस मॉडल से, जो कि इनका बहुत बढ़िया बात है। हाँ, ये मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि बेस मॉडल से बहुत ही सही चीज है। और बाकी जो मेन मेरे को लगा ट्रैक्शन और ऑटो आइडलिंग स्टॉप भी आ जाता है। ये मेरी गाड़ी में नहीं है ऑटो आइडलिंग स्टॉप वाला, मेरी गाड़ी में नहीं है वो फीचर। और रही बात, इधर आप देख सकते हो HUD में बहुत सारे, जैसे ये बताते हैं मोशन फ्रंट कार का और पावर का डिस्प्ले आता है। बाकी ये जो हमारी स्मार्ट हाइब्रिड का फीचर है, उसमें बैटरी वगैरह कितना यूज हो रही है बस। और ये आपको नॉर्मल जो दिखाता है कि एवरेज फ्यूल कितना चल रही है और रेंज वगैरह सब दिखाता है। तो अभी तक की एवरेज क्या निकाल पाया था भाई? मेरी एवरेज इन सिटी निकलती है 13-12, मेरी भी, मैं सही बताऊं तो मेरी भी 11-12 ही निकलती है। जब से अलॉय चौड़े पड़वाए हैं तो मेरी भी थोड़ी सी कम हो ही गई है। बाकी सीटिंग का मैं आपको लोगों को बता दूं, कहीं इसमें जो है सीट कवर लगा हुआ है, बट इसमें जो है फैब्रिक वाली सीट आती है। इसमें टॉप मॉडल में फैब्रिक आती है, यही आती है। तो इन लोगों को एक चीज़ देखनी चाहिए थी कि लेदर सीट देनी चाहिए थी, क्योंकि N-Line के जो बेस मॉडल होता है N6, उसमें भी सेम लेदर सीट आती है। एक सनरूफ की कभी मेरे को लगी गाइस, चलो सनरूफ हो जाती तो फिर पैसे भी इसके ऊपर ही हो जाते। हाँ ये भी बात है, लेकिन फ्रॉन्क्स में किसी के मॉडल में भी नहीं आता, तो उस चीज के लिए हम लोग क्या ही बोले। लेकिन इसमें भी येलो ही आती है, तो ठीक है। बाहर का ऑल LED कर दिया सेटअप, बाकी देख सकते हैं गाइस इसमें पियानो ब्लैक फिनिश, ये देखिए कितना सुंदर लगता है। उसके बाद ये गाइस मैं एक चीज़ जो फीचर है मैं अपने में मिसिंग करता हूँ, फीचर क्या बोलो, एक अच्छी चीज़ है कि ये लोग ये रैप देते हैं, मेरे में प्लास्टिक है, ये चीज़ भी थोड़ी सी सॉफ्ट टाइप मटेरियल है ये भी, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी है। बाकी बाहर का क्या है, इसकी एक चीज़ मेरे को कमी लगी गाइस, इसमें ऑटो फोल्ड ORVM नहीं आते, उसको आप लोगों को दबा के करना पड़ता है। मेरे टॉप मॉडल में आते हैं, टॉप मॉडल में आते हैं, लेकिन इसके ये वाला जो वेरिएंट है इसके N6 में भी आप लॉक करोगे तो ऑटो फोल्ड आते हैं। तो मेन डिफरेंस मैं आपको बता ही दिया गाइस, इसमें जो टैंकी है वो 37 है, वो इसमें भी 37 है। इसका मैं अगर आप लोगों को बूट स्पेस दिखा दूँ एक बार, देख सकते हैं गाइस इसका बूट स्पेस, अभी तो कवर पड़ा हुआ है, पर इसमें 311 लीटर है ना, 308 लीटर है। और अगर मैं यही उसी में चले जाऊँ तो आपका N-Line में 311 लीटर आता है, पर दिखने में वो ज़्यादा डीप लगता है मेरे को। मैं आप लोगों को एक बार दिखा दूँ, देख सकते हैं गाइस 9 बेड निकाल रखी है मैंने आगे वाली, बाहर गया था दिल्ली तब लगाई थी, ठीक है 311 के हिसाब से मेरे को ठीक लगा। बाकी 311 फ़र्क नहीं है, पर सेम ही है। मतलब यही बात है कि अगर आप लोग उसमें जा रहे हैं, आप टर्बो में जा रहे हैं, तो उसके हिसाब से दोनों ही गाड़ियाँ अपनी अपनी जगह बेस्ट है। हाँ, अगर मैंने ये भी चलाई गाइस, मेरे को ये चलाने बहुत पसंद है, मेरे को अपनी गाड़ी चलाना भी बहुत पसंद है। इसकी मैंने मैनुअल चलाई तो टर्बो में मैनुअल में और ज़्यादा फील है। हाँ, मेरी में उतना फील नहीं आ पाती क्योंकि ऑटोमेटिक है, तो उस हिसाब से मैनुअल में फील नहीं आ पाती, बट इसमें मैनुअल में बहुत अच्छी फील आती है। मैनुअल जब आप चलाओगे ना तो आपको बहुत मतलब ऐसा रश सा लगेगा एकदम की पुश आता है, बहुत मजा आता है। ऑल एंड ऑल मैनुअल में बहुत ज्यादा मजा आता है।
तो एक मैं और गाइस बताऊं, ये हमारा इंडिया का फर्स्ट, इंडिया का फर्स्ट नहीं, बरेली का फर्स्ट कह लूं, क्योंकि हमने तो अभी तक देखी नहीं यूपी में। ये जो कलर है गाइस, ये ब्लैक भी नहीं है और ये ब्लू भी नहीं है, ये है आपका ब्लूइश ब्लैक। मतलब ये अगर आप दिन में देखोगे तो उतना डार्क ब्लैक भी नहीं दिखेगा, लेकिन रात में जो है बिल्कुल ब्लैक दिखेगा। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है, आपके इसमें ब्लैक कलर अब ऐड हुआ है, पहले इसमें ब्लैक कलर नहीं आता था। बाकी और कुछ बताने को रह नहीं गया गाइस, इसके सेकंड टॉप में भी आप लोगों को ये मिलता है, इसके टॉप में भी मिलता है, तो वो चीज़ सेम ही है। बाकी और कुछ नहीं, ये जो पीछे जो है ना गाइस, आप लोग देख सकते हैं इसका जो इतना जो सेक्शन है, बहुत ही प्यारा लुक लगता है। वही 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 वो मैं वर्ड भूल रहा था गाइस, जो इसकी कूपे शेप है ना, बहुत सुंदर। ये तो प्रॉपर हैचबैक है, बट इसकी जो शेप है ना, बहुत सुंदर। इसकी लेंथ में मेरे ख्याल ज़्यादा कोई अंतर नहीं है, मतलब उतनी कोई नहीं है, लेकिन एक चीज़ मैंने नोटिस करी गाइस, अगर आप लोग सामने से देखोगे ना तो ये आपको चौड़ी लगेगी, ठीक है, पर ये वाली ज़्यादा चौड़ी है। मैंने देखा सेडान में भी, होंडा सिटी से भी ज़्यादा चौड़ी है और ऑल हैचबैक से भी ज़्यादा चौड़ी है, पर ये चौड़ी लगती है, पर ये इससे थोड़ी सी कम है, ये जो मैंने नोटिस किया आप लोगों के लिए। बाकी तो मेन मैंने आप लोगों को बता ही दिया, और पावर डिफरेंस बता दूं गाइस, तो इसमें पावर आपका 120 आती है स्ट्रोक, इसमें आती है 100 स्ट्रोक, बट पता है भगाने में दोनों सेम ही लगते हैं, क्योंकि इसको ड्यूटी यून करके दिया गया, इसको भी जितना हो सकता उतना करके दिया गया। बाकी आप लोग देख सकते हैं गाइस, इस वीडियो का एंड करते हैं, और एक बार तनीष भाई से पूछ लेते हैं कि एंड करने से पहले, तो भाई आप बताओ आप। तो भाइयों मेरे हिसाब से तो दोनों गाड़ियों अपनी सेगमेंट में सबसे बेस्ट है। बाकी मेरे हिसाब से जिसको थोड़ा स्पोर्टी इंटीरियर चाहिए तो वो ऑनलाइन की तरफ जा सकता है, एंड जिसको चाहिए थोड़ा कंफर्ट, देखो कंफर्ट में तो ध्रुव भाई खुद बताएंगे। नहीं मेरे को जो लगा, इसकी पीछे की सीट इतनी ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है जितनी इसमें मैं बैठा हूँ, इसमें पीछे ही बैठा हूँ, तो मेरे को लगी आगे की सीट, हाँ ठीक है, बट इसकी कंफर्ट मेरे को अपनी गाड़ी से मेरे को ज़्यादा अच्छी लगी। और उसके सस्पेंशन जहाँ थोड़े स्टिफर साइड, हाँ ये तो मैं बताना ही भूल गया, एन लाइन में थोड़े से सस्पेंशन मिलते हैं, लेकिन इसमें जो है आपके नॉर्मल बढ़िया से रहते हैं। बाकी दोनों अपने सेगमेंट में सबसे बेस्ट हैं। हाँ आपको अगर थोड़ा स्पोर्टी इंटीरियर जाना चाहते हो तो आप ये ले सकते हो, बाकी फैमिली कार विद थोड़ी पावर तो वो आप, हाँ क्योंकि इसका एवरेज भी मैं कह रहा हूँ मेरी गाड़ी से लॉन्ग रूट पे बढ़िया निकला है, क्योंकि मैनुअल है। 21 का मैंने निकाला था जब वृंदावन गए, तो वो चीज़ है गाइस, वो चीज़ बहुत बढ़िया है इसमें। बाकी चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं, मिलता है नेक्स्ट अच्छे से ब्लॉग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।